इलेक्शन की राम राम। जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना मेरा काम। और कैमरे पर रहेंगे हमारे साथ सदाशिव। और देखिए, हम एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट पर आ पहुंचे हैं। हम आ पहुंचे हैं आजमगढ़ में। ये हाई प्रोफाइल है और ये हॉट सीट है। पूर्वांचल के अंदर आजमगढ़ पर सबकी नज़रें गड़ी हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है ये सीट। 2014 में मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद बने, 2019 में अखिलेश यादव बने, लेकिन 2022 में आपको बता दें यहाँ कमल खिल गया। वो इसलिए खिल गया कि उपचुनाव हुआ और उपचुनाव की वजह से यहाँ पर समीकरण बदले और धर्मेंद्र यादव को, जो भोजपुरी अभिनेता है, दिनेश लाल निरहुआ ने हरा दिया। लेकिन इस बार भी दोनों आमने सामने 2024 में। माना जा रहा है कि सपा और बीजेपी के बीच ही कड़ा मुकाबला होगा। तो हम जगह जगह आजमगढ़ में चलेंगे और लोगों से चुनावी मूड समझेंगे कि बीजेपी आएगी या जाएगी, या जनता बदलाव चाहती है या क्या माहौल है। चलिए भैया, भैया से ही शुरू कर लेते हैं। भैया जी, भैया चुनाव चुनाव तो चल रहा है, सब बेहतर चल रहा है यहाँ पे। चुनाव कौन माहौल लग रहा है अभी? माहौल ठीक है। लड़ाई परसेंटेज पर डिपेंड करेगा। कांटे की है? कांटे की नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन अगर परसेंटेज अच्छा पोल हो गया तो बीजेपी का कन्फर्म है जीतना। दिनेश लाल ने हुआ? हाँ जी एकदम। धर्मेंद्र यादव नहीं? धर्मेंद्र यादव अगर कम पोलिंग होगी तो थोड़ा उनका चांसेस बनेगा। पोलिंग जो बनेगी, गुड्डू जमाली थे, गुड्डू जमाली पहले तो उनके अच्छा साथ आ गए। अच्छा, तो आपको नहीं लगा कि फिर समीकरण बिगाड़ेंगे? नहीं, समीकरण तो अच्छा है, काम भी निरहुआ जी ने किया, बहुत अच्छा काम। एक्टिव रहे, एक्टिव है, जितनी रोटी टूट तो कलेक्टेड दफ्तर पर गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। भैया कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी, सर कह रहे हैं बीजेपी जा रही है। बीजेपी क्यों जा रही है? गाड़ी पटरी से उतर गई है। वजह क्यों? वजह दो तीन मुद्दे हैं। हाँ। एक तो बड़ा मुद्दा, जो इनका बेस वोट था ठाकुर, वो पटरी से उतर चुका है, या तो नोटा या तो गठबंधन, नंबर एक। मैं भी ठाकुर। दूसरी चीज ये है, आपको लग रहा है ये कास्ट पे होगा, विकास के नाम पे नहीं होगा क्या? बोलते पहले देखिए, ऐसा है कि जो चुनाव पिछली बार हुए वो भी जाति आधारित हुए हैं। धर्म तो इनका चल नहीं पाया। अब जाति वाला जो है, 80 राजपूतों का देश भर में इन्होंने टिकट काट करके राजनाथ सिंह को माला भी नहीं पहनने दे रहे हैं, जो जोगी जी को गद्दी से उतारना चाह रहे हैं। सही कह रही है? एकदम नहीं भैया, एकदम नहीं। इतना काम हुआ यहाँ पे। सड़कें ये सारी टूटी हुई थी, निरहुआ जी की देन, एक सारी सड़कें बन गई हैं। मोदी जी फ्री वाला अनाज दे, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। ये जो अनाज की स्कीम है, भोजन का अधिकार कांग्रेस पार्टी लाई है, ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। लेकिन कांग्रेस भी तो अब लालच ही दे रही है ना कि 10 दे देंगे हम। कांग्रेस 12 रुपए में देती थी, ये फ्री कर दिए। 12 रुपए का फायदा दे करके ये जो है खाद का दाम बढ़ा दी। अब उस पर तो बात आई, बीजेपी आ रही है जा रही है? भाई भाई जो कह रहे हैं वो तो सही है। अब मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री या नहीं भाई? अब मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं सर। नहीं बनेंगे? इधर कौन जीत रहा फिर? अखिलेश का है। अखिलेश धर्मेंद्र जीत जाएंगे? नहीं। कौन जीत रहा फिर? समाजवादी। समाजवादी तो पूछ रहे हो, धर्मेंद्र समाजवादी जीत रहे, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। क्या लग रहा है युवाओं को? युवाओं को देखते हैं कौन बनता है। नहीं देखते क्या है, माहौल क्या है? 80% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। 80% लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। 20% में कन्फ्यूजन है? हाँ कन्फ्यूजन है। यहाँ निरहुआ निकल जाएंगे या नहीं? मुश्किल है। मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। मैं पश्चिमी यूपी से हूँ, बाकी यहाँ मुश्किल लग रहा माहौल। पश्चिमी कहाँ? मुजफ्फरनगर, मेरठ कहाँ? मेरठ। मेरठ का भैया चलो, उधर क्या मामला लगा था? वहाँ सपा चली थी। सपा चल जाएगी? भैया कह रहे चलिए उधर। और भी लोगों से दोपहर का आनंद। भैया हाँ, सपा आ रही है? आ रही है। अच्छा हाँ भाई, सही कह रहे हैं? सपा तो एकदम तुरंत आ रही है यहाँ। धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। जितना लोग पाएंगे इसे कई दुना अधिक से ही जीतेंगे। अच्छा हाँ, धर्मेंद्र यादव। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी के हैट्रिक बन जाएगी? अरे कुछ नहीं होगा, वो देखना है। सब हुआ है, सब ये सब। क्या भैया कौन लग रहा है इधर माहौल? अरे 400 पार जा रहा मामला भाई। कोई भी हो भाई, जनता निरहुआ जी जीत जाएंगे। अब देखिए जितना हार, जैसे गुंडागर्दी एक फैक्टर था, गुंडागर्दी कम हुई, वो सब बात खत्म करिए। आप जो आप बात कह रहे हैं, अभी जो बात आपने रखी है पॉइंट की, कि चलिए ठीक है
मतलब निरहुआ जीत जाएगा नहीं, ये जीतना हारना तो आम जनता के हाथ में है ना, वो आम जनता है ना भाई। अरे इतने में थोड़ी नहीं निरहुआ जीत जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। वो तो पूरा पूछ रहा हूँ, पूरा मूड मूड सबका देखिए, सब एक ही पे है, कोई सपा पे जा रहा है, कोई भाजपा पे जा रहा है, कोई बीजेपी पे जा रहा है, नहीं तो ये सब अपना अपना वो है। लेकिन न्यूज वालों का क्या इफेक्ट, 400 पार हम थोड़े कह रहे हैं यार, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। कौन मोदी जी कह रहे हैं तो 400 पार ही रहेगा मामला, देख लीजिएगा 400 पार हो जाएगा भैया। 400 पार हो रहा है नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है 400 पार। इधर क्या हो माहौल? इधर निरहुआ निरहुआ, जो 15 का मुकाबला नहीं है इस बार, जो 15 महीनों में जो इन्होंने काम किया है वो मतलब जीतने के बाद हारने के बाद भी काम कर रहे थे। इसके पहले अखिलेश यादव थे, उन्होंने कुछ नहीं किया 3 सालों में। हम मुलायम सिंह यादव थे तो 5 सालों में उन्होंने कार्य किया, लेकिन जब अखिलेश यादव आए निरहुआ का काम दिखता है। हाँ निरहुआ काम दिखता है, ये जो रोड बनी है अभी तक नहीं बनी थी, ये निरहुआ का ही देन है। ये निरहुआ के रोड बना है, ये 10 साल पहले का बना है। कह रहे हैं 400 पार, जैसे नहीं जाते हैं गांव लोग बेचते कुर्सी, भैया 400 400 आ जाते हैं 150 200 पे, तो वही हाल है कि बीजेपी का रिजल्ट सामने चार को देखिएगा। ऐसा है वो तो 4 जून के बाद ही पता चल जाएगा। 4 जून को अरे कटोरा लेके घूमेंगे, उनको भी कहेंगे ये भी एक रोजगार है। ऐसी स्थिति आने वाली है 2024 में, कटोरा ले घूमना पड़ेगा, कहेंगे ये भी रोजगार है। उतार लो इसे, हेलमेट टीवी दिखाओगे। आपका क्या मूड है? मूड तो बढ़िया है भाई। किसकी तरफ? निरहुआ की तरफ। निरहुआ की तरफ, हाँ। ये शोर मचा रहे, साइकिल चल रही भाई। अरे भाई तो सभी लोग अपने अपने कहते हैं, मेरी साइकिल जा रही है, मेरा ये जा रहा है। तो आपको भरोसा है? हाँ तो पूरा भरोसा है। मोदी जी बन रहे प्रधान? हाँ बन रहे हैं एकदम। नहीं 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 एकदम नहीं, नहीं बन रहे। ये तुम्हारा दोस्त है? एकदम है। ये तुम्हारे दोस्त हो आप? हाँ दोस्त है। दोस्त है भाई? हाँ भाई दोस्त है। नहीं दोनों दोस्तों में बंटवारा है, तुम तो साइकिल वाले को बिठा के घूम रहे हो। अरे भाई अब उसके दिमाग में जो वो बता रहे हैं जो मेरे दिमाग में। देखिए ये दोनों दोस्त हैं, साइकिल बाइक पे दोनों सवारी कर रहे हैं, ये बीजेपी के साथ और साइकिल के साथ। साइकिल के साथ ये बंटवारा होता भैया, अपना अपना मत है। तो चलिए कलेक्ट्रेट पर हमने लोगों से चुनावी मूड समझा, और भी जगह चलेंगे और लोगों से चुनावी मूड समझेंगे। बीजेपी आ रही है जा रही है, यहाँ क्या माहौल है? आजमगढ़ बहुत महत्वपूर्ण सीट है। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दे, आजमगढ़ में चल रहा है, हम जगह जगह जा रहे हैं। अब देखिए हम एक शॉप में आ गए हैं, यहाँ शॉपिंग भी हो रही है और लोगों से चुनावी मूड भी समझेंगे। वहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि बीजेपी आ रही है जा रही है। सर चुनाव आ गए? चुनाव हो रहा है। क्या माहौल? माहौल यहाँ पे समाजवादी ने काम किया, समाजवादी का ही माहौल है। साइकिल चल जाएगी? साइकिल चल जाएगी। हैं? साइकिल चल रही है जी? नहीं हवा निकल चुकी है साइकिल की। ये तो हवा निकाल रहे हैं अब भाई। हम लोग जो देख रहे हैं कि साइकिल चल जाएगी, ये तो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि साइकिल की क्या स्थिति है। और मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री? हाँ प्रधानमंत्री तो बनेंगे। ये आवाज आई है? नहीं ये कोई बात नहीं, आजमगढ़ में हार जाएगी बीजेपी। हाँ प्रधानमंत्री बनेंगे। आजमगढ़ हार रहे हैं आपका कमल नहीं के लिए? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घर की। अब देखते हैं 4 तारीख को क्या होता है। आगे से विकास के मुद्दे पर होगा या आपको लग रहा है कास्ट फैक्टर एक बड़ा इशू है? यहाँ विकास के मुद्दे पर उठ, यहाँ आजमगढ़ में भी कास्ट फैक्टर MY फैक्टर भी है, लेकिन विकास भी तो बहुत किया है निरहुआ जी ने। बहुत विकास किया है। विकास कर पाए निरहुआ जी? हमको तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जो उनको दिखी नहीं रहा वो साइकिल का चश्मा जिसकी आंखों पर लगा होगा ना उसको नहीं दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आजमगढ़ में सब लोग जान रहे हैं कि विकास यहाँ किसने क्या किया है, कोई भी चीज किसी से छुपी हुई नहीं है। और देखिए व्यापारी हैं, व्यापारियों से चुनावी मूड सना है। सर आएगी बीजेपी जा रही है? नहीं बीजेपी आ रही है जा रही है तो 4 तारीख को पता चलेगा। हम लोग वोटर हैं, व्यापारी हैं, हम विकास के मुद्दे पे वोट देंगे और ये रिजल्ट 4 तारीख को होगा। ये तय है कि मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं, मोदी जी सरकार बना रहे हैं, इसके लिए उनको शुभकामनाएं। आजमगढ़ से लड़ाई टक्कर की है, ये कह पाना मुश्किल है कौन जीत रहा है। ये टक्कर है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप व्यापारी हैं, व्यापारी के लिए एक सुरक्षा बड़ा इशू था, गुंडागर्दी कानून व्यवस्था को लेकर। और CM योगी या मोदी जी कहीं भी जाते हैं, खासकर UP में, वो यही कहते हैं पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लग जाता था, गुंडागर्दी खत्म हो गई। वो बदलाव ग्राउंड पर आप देखते हैं?
देखिए आजमगढ़ में कभी भी बहुत कोई क्राइम का, जैसे बाहर में नाम आजमगढ़ का बदनाम रहा, लेकिन हम लोग लोकल व्यापारी हैं, कभी आजमगढ़ में कोई ऐसी बहुत घटनाएं नहीं रही हैं। और आजमगढ़ एक सुरक्षित स्थान है व्यापार करने के लिए, कोई यहाँ ज्यादा कनेक्शन ज्यादा निकले पर कनेक्शन निकला है, वो कैसे निकल गया, कोई एक आध लोग मिल गए, लेकिन हम उसको आतंकगढ़ से नहीं कभी जोड़े, हम लोग तो नहीं जोड़ते, बाहर के लोग जोड़ देते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं जोड़ा इसको। और आजमगढ़ पहले भी सुरक्षित था, आज भी खूब सुरक्षित है, महाराज जी ने बहुत काम किया है इसके लिए, उनको बधाई है इसके लिए, काफी क्राइम पे कंट्रोल किया है और बहुत अच्छा है। सर आजमगढ़ का मूड क्या लग रहा है? आजमगढ़ बिल्कुल मूड यही मूड उसका सही है, और आजमगढ़ में बहुत ही कांटे की टक्कर है, और संभवतः बाई इलेक्शन की पुनरावृत्ति होगी। बाई इलेक्शन कमल जी, सर क्या कहेंगे आप? क्या क्या पूछ रहे बताएं? ये कह रहे हैं कि जीत जाएंगे बीजेपी है। ये तो कहना कठिन भी है। अच्छा, क्योंकि अभी चुनाव जो है 25 तारीख को मतदान होना है, लेकिन ये कहना भी कठिन है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन नेता जो है मालामाल हो रहे हैं, देश कंगाल हो रहा है, जनता की रोज हार हो रही है और नेताओं की रोज जीत हो रही है। नेता रोज संपन्न बन रहे हैं, जनता रोज दलिद्र हो रही है। आप खुद उठा के देख लीजिए, जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हों, अभी उसको अगर यह कहा जाए कि देश बहुत संपन्न हो रहा है, तो मैं समझता हूँ यह कहना विडंबना। राशन तो अब ये कांग्रेस भी देगी, कह रही है। जहाँ तक लैंड ऑर्डर का मामला है, लैंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का मामला होता है, और स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव ये नहीं हो रहा है, ये चुनाव सेंट्रल का हो रहा है। नहीं, एक बड़ा इशू इन्होंने उठा दिया कि एक बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कहा कि सेंटर का मुखिया है, लेकिन क्या जो यूपी का वोटर है वो सीएम योगी के काम पे भी तो देखेगा? उनका काम सीएम योगी फैक्टर नहीं है क्या? नहीं, योगी जी फैक्टर हैं, और योगी जी अच्छा कार्य किए अभी तक, जो भी लाइन ऑर्डर रहा हमारी उत्तर प्रदेश का, उसमें सबसे अच्छा कार्य योगी जी कर रहे हैं। मान रही है योगी जी का फैक्टर? अगर आजमगढ़ आप जीतेंगे तो आप 450 मान लीजिए, 450 और आजमगढ़ हार गए तो सुपड़ा साहब नहीं, ये हम तो नहीं कर सकते हैं। सर क्या कांटे के पूरे देश में कांटे की है सर, एक तरफा है? नहीं, लड़ाई कहीं कांटे की नहीं है। ये जो इंडी गठबंधन है, 8 सीटों पर सिमट जाएगा आपकी उत्तर प्रदेश, 8 सीटों पर। अच्छा, तो यानी 72 बीजेपी की 72 सीट्स आ रही हैं। और विकास का मुद्दा है तो यहाँ तो विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप पीछे मुड़कर लगा कि तो अभी ये विकसित नहीं हुआ और अभी वो विकसित नहीं हुआ, फिर भी ये डबल इंजन की सरकार बहुत काम कर रही है। मोदी जी की सरकार आ रही है, और मोदी जी की सरकार आ रही तो इसमें तो कोई दो बात नहीं। जब हमारे व्यापारी नेता चुनमुन जी कह रहे हैं, जो घोर सफाई है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि देश में मोदी आ रहे हैं, तो इसका असर हमारे जनपद के जो यहाँ के कट्टर सपाई हैं, कट्टर सपाई हैं आप? नहीं सर, आप देखिए, हम लोग सपा के हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हम पहले व्यापारी नेता है, बाद में पार्टी वाली बात होगी। किसी पार्टी का हमारा कोई वो नहीं, मतलब आप सीट का समीकरण बताने का, हम बता रहे हैं यहाँ जो समीकरण बन चुका है आजमगढ़ का, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। जो लोग कह रहे हैं वो लोग गलत कह रहे हैं, यहाँ का समीकरण बन चुका है, और यहाँ सपा कास्ट फैक्टर पे होगा या कुछ विकास कोई मुद्दा है? फैक्टर बहुत मायने, पिछली बार हुआ था क्या? बहुत मायने है, पिछली बार जो था जिसकी वजह से वो हारे थे वो भी पार्टी में आ चुके हैं। चलिए मैं और भी लोग देखिए शॉपिंग कर रहे हैं, उनसे बात करता हूँ मैं। अम्मा जी क्या माहौल, फोटो वोटो खींच रहे तो डर रहे हैं? क्या माहौल है, माहौल क्या है बताइए? देखिए सभी बच्चे तो पढ़ लिख के बेकार हैं, यही माहौल तो है। तो बदल रही हो सरकार को? बिल्कुल बदलेंगे। बदल रहे हैं, आप भी बदल रही हैं या मोदी जी? नहीं, हमें तो मोदी जी की सरकार अच्छी लगती है। अच्छी इसलिए लगती है कि मतलब हमारे जो जिले से जो ये गुंडागर्दी है ये खत्म हो रही है। ये आपकी माता जी? हाँ, ये माता जी। बाकी जो है जो कमियां है उसे, जो भी सरकार है उस कमी को खत्म करें। अच्छा, हाँ, यानी जो है बच्चों की शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दे, और महिलाओं के बारे में जो बेरोजगारी है, महिलाएं तो बता रहे सुरक्षित है, गुंडागर्दी कम हुई, लखपति दीदी योजना ला रहे हैं वो। महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन तो महिलाएं बेरोजगार बहुत है। महिलाओं भैया क्या लग रहा है? सर बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे, हम स्टूडेंट है, पिछले मैंने बी फार्म किया हुआ है और पिछले साल ही मैंने अपना बी फार्म कम्प्लीट किया है। यहाँ पे मुद्दा एक ही है कि बेरोजगारी बहुत है, और उसके बाद से शिक्षा और बेरोजगारी दोनों यही मुद्दा है। सरकार बदलोगे या यही? बिल्कुल बदलेंगे, मोदी होगी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। चुनाव है पता है ना जी, किसकी सरकार बन रही है? क्या ही बोले अब, मोदी जी आएंगे या जाएंगे, फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता आपको? लगता है? नहीं लगता, नहीं बन रहे बिल्कुल, नहीं बन रहा है।
कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस बिल्कुल बनेगी। अच्छा, राहुल गांधी पसंद है? राहुल गांधी पसंद है। तो चलिए इलेक्शन के राम राम के सफर को और भी इलाकों में करेंगे और भी लोगों से जानेंगे आखिरकार बीजेपी आएगी या जनता बदलाव चाह रही है। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है, हम जगह जगह जा रहे हैं आजमगढ़ में। अब हमारे साथ देखिए तमाम नेता हैं, नेताओं के वादे दावे भी सुनेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कलाकार है जो आपको गाना सुनाएंगे और वो चुनावी मूड के लिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपको वोटरों को जागरूक किया जाए। क्या कहेंगे आप, पहले वोटरों का आपका परिचय और फिर वोटरों को जागरूक करेंगे? पहले हम जागरूक करेंगे, जो लोग बैठे रहते हैं घर पे वोट देने नहीं जाते हैं उनके लिए कुछ हम अपने अंदाज में कहना चाहते हैं जी। लोकतंत्र के महापर्व को आज हमें मनाना है, लोकतंत्र के महापर्व को आज हमें मनाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है, वोट डालने, तालियां बजा दीजिए, हमें वोट डालने जाना है। लोकतंत्र के महापर्व को आज हमें मनाना है, लोकतंत्र के महापर्व को आज हमें मनाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है। तो देखिए वोटरों को हम भी जागरूक करते हैं और लोगों से आप चुनावी बात करेंगे। सर बीजेपी आ रही है जा रही है? बीजेपी आ रही है। आ जाएगी? आ जाएगी। क्यों भरोसा लग रहा है? क्योंकि हमें निरहुआ के काम पे भरोसा है। हाँ। उसके 1.5 साल में जितने काम हुए हैं उतना अखिलेश और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के 8.5 साल के कार्यकाल में काम नहीं हो पाया है। हाँ। ये लोग अपना एक शिलापट पूरे आजमगढ़ में दिखा दें। हमारे लोकसभा सदर में 5 विधायक हैं और सपा के विधायक हैं, एक शिलापट अपना दिखा दें, कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं और निरहुआ वर्तमान में सांसद है और हमेशा लोगों के बीच में जाके काम किया है और अपने काम के दम पे चुनाव जीत रहा है। लग रहा है कि मोदी जी की हैट्रिक बन पाएगी? मोदी की हैट्रिक बननी है, लेकिन यहाँ यहाँ भी बनेगी। हाँ। इसलिए कि मोदी का तो कोई जवाब नहीं, पूरा मतलब सर्वव्याप्त। तो यहाँ निरहुआ या धर्मेंद्र यादव मजबूत आपको लग रहे हैं? नहीं, धर्मेंद्र यादव जी जैसी लोग अपनी सीट को परंपरागत सीट मानते हैं, नहीं परंपरा कार्य करना चाहिए। अभी जैसे आपने बताया कि 5 विधायक हैं विधानसभा में, सदर लोकसभा में, ये 5 विधायक जो हैं वो कम से कम अपने क्षेत्र में कार्य करें। जनता किसी की नहीं है, जनता केवल कार्य की पूजा करती है और जो भी अच्छा कार्य करेगा जनता उसी को चुनेगी, चाहे कोई भी हो। चलिए कुछ और लोग भी है। सर अखिलेश आ रहे हैं या जा रहे हैं या क्या माहौल लग रहा है? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, बन जाएगी 100% बनेगी। नहीं बनेगी? पड़ोसी कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। हाँ। पड़ोसी से ये पूछिए कि निरहुआ कहाँ शिलापट लगवाया है। हाँ। जो काम पहले के हुए थे सरकारों द्वारा वहीं फीता काट रहे हैं ये। हाँ। एक एक एयरपोर्ट का 2-2 बार फीता काट रहे हैं। जवाब देंगे? ये सदर के विधायक जो इनके हैं, इनके गांव का वोट हमारे निरहुआ जी ने बनवाया, इनके गांव का। उपलब्धि क्या की है? चलिए उन पर कम वक्त था लेकिन क्या काम? उपलब्धि विश्वविद्यालय निरहुआ ने दिया। सुनिए विश्वविद्यालय निरहुआ ने दिया, संगीत महाविद्यालय निरहुआ दिया, रोड की जाल निरहुआ बिछवा रहा है और आजमगढ़ को पहली बार रिंग रोड से कोई जोड़ने का काम कर रहा है तो निरहुआ कर रहा है। ये इनसे पूछिए, इनसे इतना पूछिए कि रिंग रोड अभी बना है? ये लोग जुमलेबाजी आपको जुमला लग रहा है? एकदम जुमला। देखिए 1.5 साल के अंदर आप ही बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा रोड का जाल निरहुआ जी के आने के बाद बन गया है। सड़कें तो इनकी सरकार ने बेहतर सरकार ने बनवाया है, लेकिन जिस सड़कों पर हम चल रहे हैं वो कोई भी ऐसी सड़क नहीं जिसपे हम शुल्क अलग से नहीं दे रहे। सड़कें हम जिस सड़क को बनाया इन्होंने अपने दोस्तों को धन उगाही के लिए बनवाया है। हम ये आरोपों में कितना दम लग रहा है आपको? देखिए मैं आपको बता दूं। हाँ। कि ये लोग केवल आरोप लगाते हैं, ये लोग तो ये भी कहते थे पूर्व में सरबजीत का सर फुटबॉल की तरह खेला गया था, लेकिन मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान उसी दिन नक्शे से मिट जाएगा जब अभिनंदन हमारा वापिस नहीं आएगा, और 24 घंटे में और 18 घंटे में वापिस आया अभिनंदन, वो भी देखिए। और हमको आपको बता दे कि इन्होंने कहा ना, अभी हमारे एक भाई ने कहा विधायक जी के घर की सगरत केवल 15 महीना में क्यों बनी, इसके पहले क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि विधायक थे, क्यों नहीं बन पाई? हमारे यहाँ तो रौना पार्सल लेकर बिलरियागंज का रोड क्यों नहीं बन पाई? बीजेपी जीतेगी कैसे? MY फैक्टर बहुत हावी है। कोई फैक्टर नहीं है, केवल विकास जो हुआ है। विकास का मुद्दा लग रहा है? जी जी। पिछले 10 साल में इस देश की जनता को जो है मोदी जी ने मंदी को बुलंदी के रूप में दिया है और बर्बादी को विकास के रूप में दिया है, बस यही देश की जनता जानती है। और रही बात विकास की,
तो विकास जो है, विकास के नाम पे ये लोग जुमलेबाजी करते हैं। आप चेयरमैन हो गया, ये शहर सदर विधायक की बात कर रहे हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ पढ़े हुए हैं। शहर विधायक के घर की रोड शहर विधायक के निधि से बनी है, ये जाके देख ले जल्दी जवाब। नहीं नहीं, आप वहाँ का शिला पट उठा के देख लीजिए किसकी निधि से बनी है। सपा या बीजेपी? सपा 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 आएगी क्या? सपा आएगी। अरे यहाँ तो सपा के ज्यादा समर्थक नजर आ रहे हैं। बाबूजी आपको कैसे लग रहा है कि निरहुआ फिर से जीत जाएंगे? बजट विकास के ऊपर जीत जाएगा, विकास के ऊपर जीत जाएगा, विकास के नाम पर, विकास के नाम पर। नहीं तो सर अभी आपको लग रहा है कि समीकरण कास्ट फैक्टर में देख रहा हूँ बहुत आबी है, यादव या मुस्लिम वोट मिलेगा? मैंने कहा ना कि क्या यादव देख करके, मैंने ये खाता में देखा कि यादव है कि उसके खाते में जाएगा पैसा कि नहीं जाएगा, मैंने देखा कि यादव की शौचालय है उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने ये देखा कि आवास मिल रहा है यादव है कि मुस्लिम है। मैंने तो सबके साथ सबके विकास के साथ काम किया है, इसलिए सब लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले की सरकारों ने क्या ये देख के काम किया था? 70 साल एक विशेष साल राशन खाए कांग्रेस की दी हुई योजना का और कहते 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। आपको पता है कि कांग्रेस यूपीए 2 में कांग्रेस द्वारा मनमोहन सिंह जी द्वारा भोजन का अधिकार कानून लाया गया था, उस कानून में लिखा था कि हर गरीब परिवार को उसका अधिकार है कि चुनी हुई सरकार उसको अनाज दे, उसी से बाध्य है ये सरकार। निरहुआ या फिर धर्मेंद्र यादव? धर्मेंद्र यादव 400% 2 लाख वोटों से जीतेगा। 2 लाख वोट उसके? 2 लाख नहीं, 2 लाख वोट से हार रहे हैं। 2 लाख अब की बार मोदी सरकार 2 लाख वोटों से हार रहे हैं। हार रहे हैं, पिछली बार तो 8,000 से भी ज्यादा थे। तो अब की बार जनता जाग चुकी है। चले मैं चर्चा को यहीं खत्म कर रहा हूँ, लेकिन आपको इस गाने के साथ छोड़ के जाता हूँ। भैया एक गाना आपको सुनाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे दुनिया में फिर से, हम दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, जो हुआ नहीं अब तक वो करके दिखाएंगे, आजमगढ़ में फिर से, आजमगढ़ में फिर से निरहुआ भैया को लाएंगे, आजमगढ़ में फिर से निरहुआ भैया को लाए। चलिए जो राम को लाए, अब देखिए हम चर्चा करेगा, अब देखिए हम चर्चा को अब यही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन की राम राम के सफर को यही खत्म कर रहे हैं, और अगली लोकसभा सीट पर मिलेंगे और आपसे करेंगे इलेक्शन की राम राम।